तो फाइनली भाइयों फोर्ड को याद आ ही गया कि इंडिया में इस कंपनी की गाड़ियां हैं। ऐसे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फोर्ड ने अभी तक अपनी गाड़ियों की नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च नहीं किया, लेकिन अब फोर्ड अपनी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी इको स्पोर्ट पर काम कर रही है और जल्द ही आपको इको स्पोर्ट का एक नया अवतार देखने को मिलेगा। हालांकि ये एक फेसलिफ्ट होने वाला है, ये कोई इको स्पोर्ट की नेक्स्ट जनरेशन नहीं होने वाली। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी में मिलने वाले चेंजेस और गाड़ी को कब तक लॉन्च किया जाएगा मार्केट के अंदर। गाड़ी के स्पाई शॉट्स को देखते हुए फ्रंट चेंज की बात करें तो इसमें हमें न्यू डिज़ाइन ग्रिल मिलेगी जो कि पुरानी वाली इको स्पोर्ट के ग्रिल से बड़ी होने वाली है। इको स्पोर्ट में अब आपको न्यू हेडलैम्प्स मिलेंगे और उल्टे एल की शेप में DRLs दिए जाएंगे। गाड़ी के एलॉय व्हील्स की बात करें तो वो भी पूरी तरह से चेंज होने वाले हैं। अब हमें इसमें न्यू डिज़ाइन 5-spoke एलॉय व्हील्स मिलेंगे। तो चलिए अब गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। तो भैया ऐसा है, फोर्ड इसमें चेंज नहीं करेगी, ये पुरानी वाली इको स्पोर्ट में जैसा मिलता है वैसा ही मिलेगा। गाड़ी के इंटीरियर चेंजेस के बारे में बात करें तो अभी तक इसकी कोई खबर नहीं है कि गाड़ी का इंटीरियर चेंज हो भी सकता है और नहीं भी। तो चलते हैं गाड़ी में मिलने वाले इंजन की तरफ। तो यहाँ हमें दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे, वन इज़ पेट्रोल एंड डीजल। गाड़ी में मिलने वाले पेट्रोल इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो कि 122 bhp की पावर और 149 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी में मिलने वाले डीजल इंजन की बात करें तो इसमें हमें 1.5 लीटर TDCi डीजल इंजन मिलेगा जो कि 100 bhp की पावर और 215 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा। दोनों ही इंजन में हमें 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर किया जाएगा। गाड़ी में मिलने वाला डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट में हमें 5-speed ट्रांसमिशन मिलेगा, लेकिन वहीं पेट्रोल में हमें 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। तो अब गाड़ी के लॉन्च की बात कर लेते हैं, तो ये गाड़ी 2022 तक मिलेगी। तो दोस्तों ये थी फोर्ड इको स्पोर्ट के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।